और यही टिकलिंग से, सेंसेशन आपको टकला होने से बचाने वाला है मैं आपको पहले ही बता रही हूं तो ध्यान से थॉटफुली जिनका माथा चौड़ा होता है वो भाग्यशाली होते हैं सुनिए आपने ऐसी बात मतलब मैंने भी सुनी है लेकिन अगर कहीं आप भाग्यशाली होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसीडिंग पीछे भागती जा रही है या फिर जगह जगह पर स्पॉट्स आ रहे हैं या फिर आप अपनी डेंसिटी से खुश नहीं हैं तो आज मैं आपको घर की सिंपल होम रेमेडी से हेल्प करने के लिए आई हूं बस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है समझना है जो बताया जा रहा है उसे फॉलो करना है एंड यू विल बी अमेज कि आप भाग्यशाली भी हैं और बहुत अच्छी हेयरलाइन के साथ नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत से परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर हाल ही में हुए नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स किस किस ने देखे थे जल्दी से नीचे लिखकर बताइए आई फेल्ट सो प्राउड मुझे उसका इनविटेशन आया था बट मैं ट्रैवल कर रही थी दैट्स वाई मैं वहाँ नहीं जा पाई लेकिन जब मैंने उसका इन्विटेशन देखा द सेंस ऑफ प्राइड जो मेरे अंदर आई आई के नॉट टेल यू और ये सारी एनर्जी मैं डेविट करती हूँ अपनी प्यारी सी ऑडियंस पे जिन्होंने प्रीति प्रेरणा को वो बनाया है जो आज वो है ये चैनल सिर्फ चैनल नहीं है इट इज़ एन एंटायर एनर्जी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एकत्रित हुए हैं एज सब्सक्राइबर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना प्यार व्यक्त करते हैं अपना समय देते हैं आप सभी का दिल से आभार और बहुत 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 सारा प्यार आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो प्रीति प्रेरणा चैनल बहुत सारी माइल बनाएगा और आप लोगों के लिए मैं कमाल की चीज़ें हमेशा की तरह लाती रहूँगी थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए अपना समय यहाँ देने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव हमेशा की तरह आज एक और मैजिक आपके साथ शेयर कर रही हूं जहां पर आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन को आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं अगर आपको बॉल पैचेस आ रहे हैं इफ़ एट ऑल मैं ये नहीं क्लेम कर रही हूं कि आपके बॉल पैचेस बिल्कुल आपकी करंट डेंसिटी की तरह हो जाएंगे लेकिन जो भी आपकी फिलहाल कंडीशन है वो बेटर ऑफ हो जाएगी और आपको कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं करना क्या है पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है समझना है जितनी भी चीजें यहां बताई जा रही हैं उन्हें एकत्रित एक करना है और डिसिप्लिन वे में रेगुलरली जैसा बताया जाए फॉलो करना है दैट्स इट और मैजिक आपका हो जाएगा जी हाँ बिना आपकी पॉकेट का एक भी रुपया खर्चा हुए आई मीन इनडायरेक्टली थोड़ा सा थो हो तो होगा भाई अब प्याज यूज करोगे तो उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना तो जल्दी से समझते हैं क्या करना है स्टेप नंबर वन नो स्ट्रेस ये कैसा स्टेप है देखिए जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे आप स्ट्रेस लेना बंद करते हैं ना हेयर फॉल का आप समझिए कि आपकी ग्रोथ उसी क्षण शुरू हो जाती है जी हाँ स्ट्रेस आपके अंदर से बहुत सारी चीजें ले जाता है जो आपको पता नहीं चलता है जो ग्रेजुअली में भी फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन जब पढ़ते रहते हैं तब समझ में आता है कि अरे उस टाइम पे इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी जस्ट डू नॉट पैनिक जब हेयर लॉस हो रहा हो तो हेयर ग्रोथ पर फोकस कीजिए जिस पर फोकस करेंगे वो होता रहेगा लॉस पे करेंगे तो लॉस होता रहेगा और ग्रोथ पर फोकस करेंगे तो हेयर ग्रोथ ही होगी जस्ट डोंट वरी तो स्टेप नंबर समझ में आ गया no नो स्ट्रेस को मिनिमाइज कर दीजिए टू जस्ट टू डेज अ वीक हम तो ऑलरेडी दो दिन एक हफ्ते में धोते हैं वेरी गुड लेकिन अब थॉटफुली हेडवॉश करना है ऑलरेडी हेयर लॉस हो रहा है बॉल पैचेस आ रहे हैं हेयरलाइन रसीड हो चुकी है तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट तो होना पड़ेगा थोड़ा सा थॉटफुल होना पड़ेगा कि जिन प्रैक्टिसेस की वजह से आपको शायद हेयर लॉस हो रहा हो कितने लोगों को नहाते समय सबसे ज़्यादा हेयर लॉस दिखता है क्या कभी कंसिडर किया है कि किसी और तरीके से हेड वॉश करके देखें इफ एट ऑल आप अपसाइड डाउन सर को करते हैं जिसमें बहुत सारे बाल उलझ जाते हैं ट्राई करते हैं बालों को सीधा रख के वॉश करके देखें एक बारी। आई नो थोड़ा बैक को ज्यादा वॉश करना पड़ेगा पोस्ट लेकिन एक बार कंसिडर कीजिए कि बालों को ज्यादा परेशान किए बगैर हेड वॉश करके देखिए और यकीन मानिए शायद इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इट सेल्फ आई मीन फर्स्ट वॉश इट्स सेल्फ आपको दिख जाएगा कि हाँ हेयर लॉस जो हो रहा है फिलहाल उससे बहुत कम हुआ है इन द फर्स्ट टाइम देखिए समय लग सकता है क्योंकि अब आप बहुत जेंटली कर रहे हैं सोच के कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट निश्चित रूप से मिलने वाले हैं तो ये विन विन हुआ ना करेंगे इसको ट्राई डन स्टेप नंबर थ्री के लिए अब एक रेमिडियल एक्शन है जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी ताकत आप खुद ही बढ़ा देंगे नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ये एनर्जी है भैया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है या नहीं पता है करंट तो लगेगा तो ये भी वैसी ही रेमेडी है कि अगर आपके आपको इसकी ताकत के बारे में पता है या नहीं पता है लेकिन ये अपना रिजल्ट आपको देगा लेकिन अगर आप सोच समझ के करेंगे उसको यू you नो know, एकदम फोकस करके तो सोचिए क्या रिजल्ट मिलेंगे आपको चाहिए एक कंटेनर में जिसमें आप हीट करने वाले हैं एक बड़ा चम्मच मुलेठी क्वाथ या फिर मुलेठी पाउडर या फिर मुलेठी की लकड़ी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ला सकते हैं और इसमें आधा लीटर पानी आपको लेना है अच्छे से इसको बॉईल होने दीजिए जब तक कि ये आधा ना रह जाए अगर आपने आधा लीटर पानी लिया है तो आप इसको टू फिफ्टी जब तक ये नहीं रह जाता है तब तक बॉईल करेंगे और उसके बाद छान कर ठंडा होने देंगे इसके पश्चात आप इसे स्प्रे बॉटल में ले सकते हैं आप इसे नॉर्मल कॉटन की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं आप पंप बॉटल में ले सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हैं वो आप यहां कर सकते हैं एप्लीकेशन है सिर्फ आपकी जड़ों को इसे देना पूरे स्कैल्प को आप अच्छे से ड्रेंच कर लेंगे इसी डिकॉक्शन से मुलेठी यानी कि लिकराइज पाउडर यानी कि लिकराइज इथ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंट के लिए तो कमाल होता है मैंने अपनी टीचिंग टाइम में हमेशा मुलेठी को का इस्तेमाल किया है सिप बाय सिप हल्का हल्का पीजिए जब गला खराब है आप देखेंगे आपकी आवाज़ इतनी मधुर हो चुकी है कि आप हैरान हो जाएंगे तो ये बहुत ही बहुत ही पावरफुल है आपके गले के लिए और बहुत ही माइल्ड है बहुत ही जेंटल है आपके स्कैल्प के लिए अगर आपके स्कैल्प में फिलहाल कोई परेशानी इफ एट ऑल है ये उसको फिक्स कर सकता है आपके स्कैल्प को एकदम रिफ्रेशन कर देते हैं यू नो एकदम फ्रेशन अप हो जाते हैं आपके स्कैल्प कि अगर फॉलिकल्स परेशान हो रहे हैं ऑफ वॉट प्रॉब्लम उसको फिक्स कर देता है आपके बालों को एक फ्रेशनेस दे देता है और आपके बाल बहुत 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 जेंटली जो भी परेशानी है उससे निजात पा जाते हैं तो इसको आपको थोड़ा समय के लिए करना पड़ेगा फर्स्ट एप्लीकेशन में विजिबली आपको दिख जाए दैट्स नॉट पॉसिबल लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो विद इन फ्यू वॉशेज आपको दिख जाएगा कि यस yes, ये आपके बालों को फ्रेशन अप कर रहा है आपके बालों को एक रिफ्रेशमेंट सी मिल रही है इसको करने के पश्चात फर्दी एप्लीकेशन मैंने आपसे कहा कि आप स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं पर अच्छे से छानिएगा नहीं तो स्प्रे बॉटल अटक जाएगी आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे स्कैल्प को ड्रेंच करने के लिए या फिर आप डायरेक्टली इसको लेके अपने बालों में डाल सकते हैं जैसा कि मैंने किया और अच्छे से पूरे स्कैल्प को यू नो एकदम भिगा लीजिए अच्छे से इस पोषण को जाने दीजिए एंड लेट इट बी बालों को अच्छे से बांध दीजिए और रख लीजिए कोई एक्स्ट्रा आपको ना मसाज करनी है नथिंग अगर आपके पास मसाजिंग टूल है बालों को तो हल्का हल्का मसाज कर भी सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम लेकिन अगर नहीं है तो जस्ट लगा रहने दीजिए ये अपने आप काम करेगा इसके पश्चात आपको करना है स्टेप नंबर फोर जो कि कॉन्सनट्रेट करेगा आपकी हेयर लाइन पर या फिर आपके जो बॉल पैचेस हैं उन पर इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक प्याज अगर आपके पास शैलिट्स हैं एस एच ए डबल एल ओ टी एस शैलिट्स यानी कि जो सांबर अनियन होते हैं ओवल शेप के लंबे से इलांगेटेड होते हैं तो वो आपको यूज़ करने हैं लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं जो प्याज घर पर अवेलेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसका आपको रस निकालना है कदोकस कीजिए बहुत आंसू निकलेंगे ऑब्वियसली तो पीस लीजिए ग्राइंड करके अच्छे से छान लीजिए और ये आपको अप्रोक्सीमेटली दो बड़े चम्मच लेना है दो चम्मच के बराबर प्याज का रस लेने के पश्चात आपको इसमें लेना है अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर बहुत सारे लोग दिखते हैं प्रेरणा सिर्फ मिर्ची रहनी रह गई है लगाने के लिए तो लीजिए हमने मिर्च भी लगा ली है काली मिर्च एक स्पाइस है बहुत तीखी होती है डायरेक्टली स्किन पर एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता अनियन अपने आप में बहुत स्ट्रांग है उसके ऊपर से हम उसमें काली मिर्च डाल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ वेरी स्ट्रांग रेमेडी तो ये आप बिल्कुल यू you नो know, बिल्कुल थॉटलेस uh, होकर कि कैसे भी प्रेरणा ने बोला था लगाना था, तो लगा लिया नो no. आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा आप ईयरबड से लेके हल्का सा लगा कर देख लीजिएगा पहले अगर कंफर्टेबल हैं तो ट्राई कीजिए क्योंकि ये हल्का सा वहाँ पे आपको यू नो टिकलिंग सेंसेशन देता है मतलब जल जाएगा ऐसा नहीं होगा लेकिन यस हल्का हल्का टिकलिंग सेंसेशन आपको महसूस होगा और यही टिकलिंग सेंसेशन आपको टकला होने से बचाने वाला है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ तो ध्यान से थॉटफुली थोड़ा यू you नो know, अपना सारा का सारा जो विल पावर है एकत्रित एक कीजिए और पैच टेस्ट लीजिए जब इतमान कर लें तब इसको पूरी तरह से ट्राई कीजिए हल्का सा ब्लैक पेपर लेने के बाद आपको इसमें एक चम्मच सरसों का तेल लेना है जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रांग है तो तीन चीज़ें यहाँ इस्तेमाल हुई हैं तीनों ही दिग्गज हैं तीनों ही स्पाइस कैटेगरी में आती हैं तीनों ही बहुत स्ट्रांग है तो थॉटफुल एप्लीकेशन इज द ओनली थिंग जो आपको रिजल्ट दे सकता है अच्छे से मिक्स कर लेने के पश्चात ईयरबड लीजिए और उससे हल्का सा लगाकर छोड़ दीजिए राइट फाइव मिनट्स वेट कीजिए अगर आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल शुरू में टिकलिंग हुई देन इट हैज सेटल्ड जो कि होना चाहिए आप इसको लेंगे हल्का सा कॉटन की मदद से और अपनी पूरी हेयर लाइन पर अच्छे से लगा लेंगे नो नीड टू मसाज क्योंकि काली मिर्च है वो तो टच करते ही अपना काम शुरू कर देगी तो हल्का सा लेके जस्ट डिपॉजिट इट थोड़ा 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 ऑन योर एंटायर हेयर लाइन एंड जहां जहां पर आपको बॉल्ट पैचेस हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका जो क्राउन एरिया है उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी कम हो रही है तो आप इसको लेके हल्का सा क्राउन एरिया पर भी लगा सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो इसके पश्चात आप इसको अपने बालों में लगा रहने देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स जितना टाइम आपके पास है और इसके बाद आप हेड वॉश कर लेंगे जैसा कि आप नॉर्मल शैम्पू से करते हैं अगर आप एस एल एस पैराबिन फ्री शैम्पू लेते हैं तो और भी बेहतर है वरना जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं इसके बाद यू आर डन नो conditioner, नो केमिकल स्प्रेज नथिंग बस ये रहने दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ आ रही है वो फ्रिजी है जी हाँ यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल हुआ है जो कि आपके जो नए बाल आते हैं उनको फ्रिजी कर देता है ऐसा लगता है करंट आ गया है उनमें ये, मतलब नेचुरल जो आपका बाल है सॉफ्ट हैं जैसे भी हैं उससे थोड़े से ज़्यादा फ्रिजी होते हैं थोड़े से ज़्यादा करंट वाले डेफिनेटली होते हैं लेकिन इसको हम लेटर ऑन फिक्स कर सकते हैं फ्रिजी बाल इज बेटर देन नो बाल यू एग्री टू इट राइट तो बस वही हम फॉलो कर रहे हैं पहले बाल उगा रहे हैं अच्छे से हेयर लाइन को डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद हम उसे अच्छा कर लेंगे सॉफ्ट कर लेंगे कंडीशन कर लेंगे कैरेटिन ट्रीटमेंट्स कर लेंगे नो वरीज एट ऑल इतने सारे नेचुरल वेज हैं हमारे पास बालों को स्ट्रेटन करने के स्मूदन करने के तो सबसे पहले अपने बाल उगा लीजिए फिर हम उन्हें अच्छा आंसरिंग फ्यू क्वेश्चन द रेमेडी क्या बच्चे यूज कर सकते हैं कदापि नहीं देखिए यहाँ प्याज का रस काली मिर्च यूज हो रही है बच्चों के आसपास भी मत ले जाइएगा उनकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल आप सरसों के तेल बादाम के तेल से फिक्स कीजिए ये स्पाइसेस उनके बालों में भी मत डालिए प्लीज इट इज फॉर दोज पीपल जो डेस्परेट हो रखे हैं और उनको गंजापन ऑलमोस्ट आने वाला है वो ये रेमेडियल एक्शन अपने लिए करें क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं इसमें काली मिर्च है मैं बार बार ही हाथ दिला रही हूँ तो आप पैच टेस्ट अवश्य लीजिए अगर कंफर्टेबल हैं तो फॉलो कीजिए एंड देन यू विल सी रिजल्ट्स कोई एज सच साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि इसको लगा के यू you नो know, बाल गिर गए या समथिंग हम तो बाल उगाने के लिए एक्शन कर रहे हैं तो ऐज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बी पॉजिटिव बी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस और फिर अपने लिए ट्राई कीजिएगा कब तक इस रेमेडी को करें देखिए मैंने आपको बोला आपको मिनिमाइज करना है अपना हेडवॉश टू टू डेज अ वीक तो दोनों दिन आप इसको कर सकते हैं थोड़ा गैप लाइक दो तीन दिन के गैप में हेड वॉश कीजिए और ये रेमेडील एक्शन आपने लिख कीजिए विद इन अ मंथ यानी कि चार एप्लीकेशन के पश्चात आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हो रहा है और फोर्थ और फिफ्थ एप्लीकेशन में यू वुड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ डेंसिटी आ रही है उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि वीकली कर लिया या दो वीक में एक बार कर लिया जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं क्या हम इस रेमेडियल एक्शन के साथ कोई और रेमेडी कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फोकस होकर एक ही चीज को फॉलो कीजिए जब आप फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दें लाइक आप पंद्रह दिन में एक बार इसको ट्राई कर रहे हैं तब आप दूसरी रेमेडी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पैरले पर जब ऑलरेडी आप फिलहाल हफ्ते हाँ में दो बार इसको करने वाले हैं तो कोई और चीज़ मत ट्राई कीजिए इसमें ऑयलिंग भी हो रही है इसमें रेमेडी एक्शन भी हो रहा है तो कोई और चीज़ आपको करने की जरूरत इनिशियली नहीं है मेरे हस्बैंड के या मेरे ब्रदर के या मेरे खुद के बालों में गंजापन आ चुका है क्या ये इसको फिक्स कर सकता है जी बिल्कुल कर सकता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स तो अगर विश्वास के साथ आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको विजिबल चेंजेस दिखेंगे और जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप इसको अपने हिसाब से आगे पीछे रेगुलेट कीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी मैनेज कीजिए एंड सी फॉर योर सेल्फ वॉट मैजिक इट कैन डू फॉर यू तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरी इस प्रस्तुति को भी इन्जॉय किया होगा अगर इन्जॉय किया है तो डू गिव इट थम्स अप आप लोग भूल जाते हैं आजकल तो भूलना नहीं है यही तो पैरामीटर है कि मुझे पता चलता है कि मेरे परिवार को मेरा ये कंटेंट समझ में आया है पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलना है जल्दी से लाइक कर दीजिए मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में टिल देन टेक वेली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और हमेशा याद रखिए कि आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू इन माई चैनल इन माई लाइफ थैंक यू एंड बहुत 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 सारा प्यार